एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जूफीज कुकिंग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी फालूदा। रबड़ी फालूदा बनाने में थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है, बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रबड़ी फालूदा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 1 कटोरी कंडेंस मिल्क, 1 कटोरी से थोड़े से कम जवे, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको फालूदा जवों से बनाकर दिखाऊंगी। वैसे फालूदा कॉर्नफ्लावर से भी बनाया जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 10 से 15 किशमिश के दाने, 10 से 15 बादाम जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 3 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा। चलिए रबड़ी फालूदा बनाना शुरू करते हैं। फुल फ्लेम पर गैस ऑन करके यहाँ पे मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया है। अब दूध में 1 उबाल आने देंगे। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे मैंने एक भगोना रख दिया है। अब इसमें 2 बड़े गिलास पानी डालेंगे और इसमें डालेंगे जवे और फुल फ्लेम पर गैस ऑन करके जवों को उबलने देंगे जब तक कि जवे सॉफ्ट ना हो जाएं। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और एक बार अच्छी तरीके से चला देंगे। अब लो फ्लेम पर दूध को तब तक पकने देंगे जब तक कि पकते पकते दूध की क्वांटिटी आधी ना रह जाए और बीच बीच में चलाते रहेंगे। जवों को उबलते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक बार इन्हें चेक कर लेते हैं। जवे हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और जवों को छान लेंगे और छानने के बाद इन्हें ठंडे पानी में डाल देंगे। दूध को पकते हुए आधा घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और दूध की क्वांटिटी भी आधी हो गई है। अब इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे और चलाते रहेंगे। कंडेंस मिल्क डालने के बाद एक बार अच्छी तरीके से चलाकर आप दूध को चख लें। अगर आपको दूध में मीठा थोड़ा सा कम लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर दूध को तब तक पकने देंगे जब तक कि यह रबड़ी जैसा गाढ़ा ना हो जाए। दूध को पकते हुए टोटल 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं दूध पककर रबड़ी बन चुका है, यानी कि रबड़ी हमारी तैयार है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। रबड़ी और फालूदा हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं रबड़ी ठंडी होकर और ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया है। अब इसमें सबसे पहले चारों तरफ रूह अफ़ज़े को इस तरीके से डाल देंगे, इससे ये और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। अब इसमें डालेंगे रबड़ी अब इसमें डालेंगे फालूदा अब इसमें दोबारा से रबड़ी डालेंगे और थोड़ा सा फालूदा। अब ऊपर से डालेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़ी सी किशमिश और ऊपर से थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। रबड़ी फालूदा बनके तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें और ठंडा ठंडा सबको सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।